मित्रों, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है इसलिए कि 2003 के पहले अब तक उबर नहीं पाई कांग्रेस, मिस्टर बंटा ढार इसलिए फ्रंट पर नहीं रहा हूं, और कई बार तो वो खुद ही कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। यह आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है जो बदहाली 2003 के पहले की, और जब श्री कमलनाथ जी 2019 में आए क्या किया उन्हें? सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बंद कर दी थी उन्हें, उन्हें संबल योजना बंद करने का पाप किया इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने हमारे बेटा बेटी से लैपटॉप छीन लिए जो मैं बच्चों को देता था अगर वो अच्छे नंबर लाते थे 12वीं में, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उन्हें बैगा भारिया सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति से मेरी बहनें आती थी उनको आहार अनुदान के 1000 रुपया देते थे, कमलनाथ जी ने वो 1000 रुपया तक उन गरीब बहनों से छीन लिए थे, इसके लिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी ने कन्याओं की शादी तो की, राशि बढ़ाने की घोषणा भी की, लेकिन शादी होने के बाद विदाई के बाद साल भर हो गया, कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं गया, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए उनमें से 2 लाख आपने वापस कर दिए, गरीबों को मकान से वंचित कर दिया, इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। और केवल इतने ही नहीं है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कमलनाथ जी आपने किसानों के नाम नहीं भेजे, आपका क्या बिगड़ता था अगर 6000 रुपया साल किसानों को मिल जाते हैं? मैं जब फिर से मुख्यमंत्री बना तब हमने 82 लाख नाम भेजे उन किसानों को, अब किसान सम्मान निधि मिल रही है। जल जीवन मिशन कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं शुरू किया? 2019 में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने हर घर में महिलाओं को बहनों को पानी बाहर भरने ना जाना पड़े, टोटी वाले नल से पानी मिल जाए, उससे आपने वंचित कर दिया। आपने वादे पूरे नहीं किए इसलिए आक्रोश है, आपने वचन नहीं निभाए इसलिए आक्रोश है। हमने जनता की सेवा की तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और आपने तो इंडी गठबंधन में ऐसे ऐसे लोगों को भर रखा है जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।